तमाम मुकामात विधानसभा लोगों को यह मेरा अपील है कि आप अपना विकास देखिए। उम्मीदवार तो आज हम है, कलू है, परसू है, कलू हारेंगे, परसू हारेंगे, आज वो जीतेंगे, आज हम हारेंगे, ये चीज नहीं। आप अपनी विकास और अपनी संदेश दीजिए, एकता होके अपना आशीर्वाद देके, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देके एक संदेश यहां से भेजिए कि आपके साथ पूरे देश है, मुकामात है ही है। बाहुबली नेता सूरजभान सिंह ने ऐलान किया है कि इस बार मोकामा में वोट मोदी के पार्टी को मिलेगा और मोदी के कैंडिडेट को मिलेगा। वह खुलेआम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे और साथ ही जिस प्रकार से वहां के उम्मीदवार हैं ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी उनको लेकर उनके पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे थे और साथ ही मोकामा के विकास को लेकर, यानी कि सीधे तौर पर अनंत सिंह के पत्नी नीलम देवी को हराने का पूरी तरह से कह सकते हैं कि सूरजभान सिंह जुट गए हैं। कभी सूरजभान सिंह आज से 20-22 साल पहले वहां से निर्दलीय विधायक जीत कर आए थे, उसके बाद वह सांसद बनते हैं और फिर पत्नी और भाई को भी सांसद बनवाने में कामयाब हो जाते हैं। अभी फिलहाल वह लोजपा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अहम नेता हैं और उनके भाई चंदन सिंह नवादा से सांसद हैं और लोक जनशक्ति पार्टी के भी वह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं और कह सकते हैं कि 5 दिनों के लिए अध्यक्ष भी बने, उसके बाद पशुपति कुमार पारस में बने। मगर अभी क्या कुछ मोकामा विधानसभा को लेकर वो तमाम बातें कर रहे हैं, चंद मिनटों में हम सुनते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं सूरजभान सिंह। है मोकामा गोपाल, क्या मैंने चुनाव परिणाम रहेगा, क्या लग रहा है आपको? पूरे देश एक आदमी को जानता, उनका है नाम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। रह गई सवाल दो जगह उपचुनाव, ये उपचुनाव से अंजाम होना है कुछ की सरकार बनेगा या गिरेगा, लेकिन रह गई सवाल कौन विधायक है और किनको टिकट मिली, हम इस पर नहीं जाना चाहते हैं। ये उपचुनाव, इसका नाम है संदेश, जो संदेश देश भर को देना है मोकामा को। और यहां आपके यहां अगर हम मजदूरी करें तो क्या हमें मजदूरी, जिससे कि रात में आप हमको भोजन दीजिएगा कि नहीं, मजदूरी दीजिएगा कि नहीं। मोकामा ये अपने आप में एक ऐसी जगह है, ये पुशराम की धरती है, बाबा पुशराम का यहां बर्दस्त है और तमाम हम इंटायर किसी जाति धर्म के लोग हों, मैं ये सबसे ये अपील करना चाहूंगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कमल पर अपना आशीर्वाद दें। आप ये देखिए गौर से कि बिहार में बहुत जगह हुआ उपचुनाव, आता है जाता है, लेकिन ये जो उपचुनाव है इसका नाम है संदेश। और संपूर्ण मोकामा विधानसभा के लोगों से मेरा ये अपील रहेगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को उनकी मजदूरी दिया जाए। आप पत्रकार खुद हैं, कुछ बात हम अंतिम वक्त जाने घड़ी आपको बताएंगे, उसको भी आप जरूर दिखाइएगा। मुझे अपना आप पर विश्वास है, मुझे ने जब मोकामा ने अपना आशीर्वाद संपूर्ण मिलकर दिए तो हमको जिस मिशन में लगाए हैं उनका हम 24 घंटा दिन रात उस काम में लगे हुए रहते हैं कि इसकी चौमुखी विकास किस तरह हो। आप देखे होंगे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ये 4 लाइन पर तमाम मोकामात विधानसभा लोगों को यही मेरा अपील है कि आप अपना विकास देखिए। उम्मीदवार तो आज हम है, कलू है, परसू है, कलू हारेंगे, परसू हारेंगे, आज वो जीतेंगे, आज हम हारेंगे, ये चीज नहीं। आप अपनी विकास और अपनी संदेश दीजिए, एकता होके अपना आशीर्वाद देके,
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देके एक संदेश यहाँ से भेजिए कि आपके साथ पूरे देश है, मोकामा तो है ही है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।